पाकिस्तान स्टार्स बैन पर रणवीर सिंह ने कही अहम बात, जो अब तक किसी ने नहीं कही। रणवीर सिंह ने हाल ही में हुए टीवी के एक कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान एक अहम बात कही है। रणवीर सिंह ने पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तानी स्टार्स के बैन को लेकर अपनी राय पेश की है और कुछ ऐसा कहा है जैसा आज तक किसी ने नहीं कहा है। बता दें कि रणवीर सिंह उस वक्त दिल्ली में उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे जब विंग कमांडर की घर वापसी हो रही थी। रणवीर ने कहा कि 14 फरवरी को मेरी फिल्म गली बॉय रिलीज हुई थी। मैं आतंकी हमले की घटना के बाद काफी गुस्से में था। पिछले कई दिनों से जो चीजें लगातार हो रही हैं वो मुझे भी डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है यही कि अभिनंदन की वापसी हो गई है और वे हमारे असली हीरो हैं और हमें उन पर गर्व है। वह हमारे देश के लिए प्रेरणा है। रणवीर ने इसके आगे जो बात कही वह गौरतलब है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि आर्ट और खेल को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए, यह दोनों अलग क्षेत्र हैं। मगर हम आर्टिस्ट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स के तौर पर उतना बलिदान नहीं दे रहे हैं जितना कि हमारे जवान दे रहे हैं। इसलिए अगर किसी एक जवान की माँ को भी ऐसा लगता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तानी स्टार्स के साथ काम नहीं करना चाहिए, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। बता दें कि रणवीर ने अभिनंदन की वापसी पर तुरंत ट्वीट करते हुए उन्हें सलाम भी कहा था। जहां दूसरी तरफ कई सितारों ने एक रट में यह बात कही है कि पाकिस्तानी स्टार्स पर बैन लगना चाहिए, वहीं रणवीर ने बिल्कुल अलग अंदाज में अपनी राय पेश की है। रणवीर की आने वाली फिल्मों की बात की जाए तो रणवीर जल्द ही क्रिकेटर कपिल देव की बायोपिक 83 में दिखाई देंगे और इसके अलावा वो करीना कपूर खान, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ फिल्म तख्त में नजर आने वाले हैं। फिलहाल तो वो गली बॉय की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं।